नमस्कार दोस्तों, प्रेप इंडिया में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो नोटिफिकेशन है ये इंडियन आर्मी की तरफ से आई है, जो कि है 55th शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक मेल एंड 26 शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक वुमेन, जिसमें इंक्लूडिंग विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल फॉर टेक एंड नॉन टेक नॉन यूपीएससी। सो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल engineering graduates and also from widows of defense personnel who died in harness for grant of short service commission in the Indian Army। कोर्स जो है ये अक्टूबर 2020 को कमेंस होगा एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु। सो अनमैरिड मेल एंड फीमेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की तरफ से एप्लीकेशंस इंडियन आर्मी इन्वाइट करता है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। इसमें देखिए एलिजिबिलिटी है, ये नेशनैलिटी के बारे में एलिजिबिलिटी है, तो इसको आप देख सकते हैं। हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी जो एज लिमिट देखते हैं हम, SSC टेक 55 मेन एंड SSC वुमेन टेक 26 वुमेन। सो एज लिमिट 20 टू 27 ईयर्स एज ऑन 1 अक्टूबर 2020, यानी कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 02 अक्टूबर 93 एंड 01 अक्टूबर 2000 बोथ डेज इंक्लूसिव हैं, वही इसमें एलिजिबल हैं। दूसरी जो है फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस ओनली, सो मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 अक्टूबर 2020। सो डेट ऑफ बर्थ के लिए ये जो सर्टिफिकेट्स एक्सेप्ट करेंगे ये सिर्फ आपका मैट्रिकुलेशन या SSC स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए क्या है इनके लिए। सो जिन्होंने रिक्विजिट इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स पास की है या फिर जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में हो वही इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। कैंडिडेट्स जो फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हैं वो सबमिट करेंगे प्रूफ कि वो 1 अक्टूबर 2020 तक पास हो जाएंगे एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री सर्टिफिकेट विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। सो जैसे ही ट्रेनिंग कमेंस होती है तो उनको इंजीनियरिंग डिग्री उसके अगले 12 वीक में दे देनी है। सो ये जो कैंडिडेट्स हैं जो लास्ट ईयर वाले हैं उनको एडिशनल बॉन्ड बेसिस पे इंडक्ट किया जाएगा फॉर रिकवरी फॉर ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एट OTA एज नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज वेल एज स्टाइपेंड एंड पे एंड अलाउंसेस पेड। यहाँ पे नोट दिया गया है कि फॉर इंडक्शन टू प्री कमीशन ट्रेनिंग अकेडमी आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, सो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज़ पासिंग B.Tech डिग्री इन इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जो कि नोटिफाई की गई पैरा 3 में। और टू बिकम एलिजिबल फॉर इंडक्शन इनटू SSC टेक 55 एंड SSC टेक 26 एट OTA चेन्नई तमिलनाडु फाइनल ईयर इंजीनियरिंग मस्ट इंश्योर ही सबमिट्स अ प्रूफ ऑफ पासिंग इंजीनियरिंग डिग्री बाय 1 अक्टूबर 2020। तो ये सेम चीज़ जो ऊपर दी गई है वो यहाँ पे दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखते हैं इसके लिए कितनी है। जो विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं उनके लिए देखिए SSC नॉन टेक नॉन यूपीएससी में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन और SSC W.Tech में B.Tech इन एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम। और यहाँ पे दोबारा दिया है कि जो फाइनल ईयर में है वो 1 अक्टूबर 2020 तक प्रूफ दिखा दें कि उन्होंने डिग्री कंप्लीट कर दी है। वैकेंसीज़ के बारे में देखिए यहाँ पे दिया गया है, candidates must know that only the engineering streams and their acceptable equivalent streams strictly as notified in the table below will be accepted। So जो streams यहाँ दी गई वही accept की जाएगी और degree other streams में है वो eligible नहीं है apply करने के लिए। और अगर आपकी जो nomenclature यानी degree का जो नाम है उसमें variation है तो वो बाद में देखिए cancellation हो जाएगा, तो आप उसको ध्यानपूर्वक apply करिए। तो civil का देखिए तो उसमें क्या क्या equivalent streams आएगी civil में, ये सारी स्ट्रीम्स अगर है तो आप उसमें सिविल में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हुआ तो आप सिविल में अप्लाई नहीं कर सकते। इस तरह से मैकेनिकल में देखिए ये स्ट्रीम्स रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। सो ये सारी ब्रांचेस रहेंगी, ये मैकेनिकल में आएंगी। वैकेंसीज देखिए सिविल की 42 है, मैकेनिकल की 14 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 17 है, कंप्यूटर साइंस और अदर रिलेटेड जो रहेगा उसमें 58 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकॉम में देखिए 21 है यहाँ पे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं वेरियस जो स्ट्रीम्स हैं उनकी कितनी वैकेंसी टोटल यहाँ पे 175 वैकेंसीज़ हैं। और इस तरह से SSC W.Tech में देखिए सिविल के लिए 3 वैकेंसीज़ है, आर्किटेक्चर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 1 है, मैकेनिकल में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम में 3 है, कंप्यूटर साइंस एंड अदर फील्ड्स में 3 है। सो टोटल यहाँ पर 14 वैकेंसीज़ है। और फॉर विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल में यहाँ पे देखिए एक वैकेंसीज टेक में है, एक वैकेंसीज नॉन टेक में है, और इसका देखिए बी.टेक चाहिए, दूसरे में ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम चाहिए। और ये वैकेंसीज टेंटेटिव है विच में डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। नोट यहाँ पे 1 दिया गया है कि एक ही पोस्ट के लिए और एक ही एंट्री के लिए, एक ही डिसिप्लिन के लिए वो परमिट है अप्लाई करने के लिए। चेंज ऑफ एंट्री और क्वालिफिकेशन चॉइस वो किसी भी स्टेज में इंटरटेन नहीं की जाएगी। नोट 2 में देखिए जो विडोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए है कि जो वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए इस पोस्ट के लिए, प्रोवाइडेड दैट दे हैव नॉट रीमैरिड। और एक ही की पोस्ट है इनके लिए और ये सब सर्टिफिकेट्स उनको अटैच करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। यहाँ पे नोट 3 दिया गया है कि सीरियल नंबर 5 to 9 यानी 5 to 9 यहाँ पर है, ये अटेस्ट करेंगे बाय एन ऑफिसर एक्स एमपी डायरेक्टरेट IHQ ऑफ MOD फॉर ऑफिसर्स एंड बाय कंसर्न रिकॉर्ड्स ऑफिस फॉर JCOR। तो उसके बारे में यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है कैसे कैसे ये उनको एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है, सुपरस्क्राइब करना है। सो यहाँ पर टाइप्स ऑफ कमीशंस के बारे में आप देख सकते हैं, ग्रांट ऑफ कमीशंस, कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंटीडेट सीनियरिटी, नो एंटीडेट सीनियरिटी फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल। और यहाँ पर ट्रेनिंग के बारे में है, ट्रेनिंग देखिए अब ड्यूरेशन 49 वीक्स का रहेगा। और कैंडिडेट्स वो हैं विल नॉट बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो उनको शादी के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। और वो पेरेंट्स एंड गार्जियन के साथ भी नहीं रह सकते हैं। सो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है। ट्रेनिंग एट OTA इज़ एट गवर्नमेंट एक्सपेंसिस, सो सारा ट्रेनिंग आपको गवर्नमेंट एक्सपेंसिस पे रहेगा। सो टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट, सो जो ऑफिसर्स मेल एंड फीमेल रहेंगे ये 10 ईयर्स के टेन्योर पे रहेंगे, जो कि बढ़ सकता है फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर्स सब्जेक्ट टू ऑप्टिंग फॉर सेम एंड फाउंड एलिजिबल एंड सूटेबल फॉर एक्सटेंशन। तो ये डिपेंड करेगा कि आप उसको ऑप्ट कर रहे हैं और ये भी डिपेंड करेगा कि आप उसके लिए सूटेबल है कि नहीं। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है, तो एंटायर ट्रेनिंग आपकी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस पे रहेगी, सरकार पूरी आपकी ट्रेनिंग देगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट्स वहाँ से विड्रॉ करता है, मतलब हटना चाहता है कोई मेडिकल ग्राउंड्स के अलावा या फिर कोई रीजंस जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको देखिए ये 11952 पर वीक टिल 30 सितंबर के हिसाब से उनको ये पैसा वापस करना पड़ेगा। प्रमोशन क्राइटेरिया एंड सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, अलग अलग रैंक के यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं। पे के बारे में यहाँ दिया गया है, देख लीजिए काफ़ी अच्छा पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। और मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पर दिया गया है, फिक्स स्टाइपेंड फॉर कैडेट ट्रेनिंग यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन ग्रांट देख लीजिए आप यहाँ पे, फ्लाइंग अलाउंस यहाँ पे देख लीजिए, अदर अलाउंसेस यहाँ पे है, ये सारा जो अलाउंसेस के बारे में दिया गया। हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस देखिए, सियाचन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इन काइंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये सब अलाउंसेस के बारे में दिया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, होटल सब्सिडी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। कैसे अप्लाई करना है ये देखिए आप। सो एप्लीकेशन ये ऑनलाइन एक्सेप्ट होगी, इस वेबसाइट पे जाना है आपको www.joinindianarmy.nic.in एंड ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है, अगर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के अप्लाई करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं कैसे करना है। ये कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि जो नोटिफिकेशन है उसको केयरफुली पढ़ें और तब ही एप्लीकेशन फॉर्म भरें, मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो जो CGPA ग्रेड्स हैं उसको कन्वर्ट करना है मार्क्स में, जो कि फॉर्मूला आपकी कंसर्न यूनिवर्सिटी अडॉप्ट करती है उसके हिसाब से। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं, ये आपको सिलेक्शन सेंटर में लेके जाना है। ये सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे। सो एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द अबाउट डॉक्यूमेंट्स फॉर SSB इंटरव्यू, उनका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा एंड उनको वापस लौटना पड़ेगा। सारे सर्टिफिकेट्स आपको ओरिजिनल में कैरी करने SSB इंटरव्यू, ये सब आपको बताया जाएगा जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए क्या है। सो यहाँ पे देखिए शॉर्ट लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन, जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है MOD आर्मी का वो शॉर्टलिस्ट करेगा, कुछ क्राइटेरिया रख के कुछ फिक्स कट ऑफ परसेंटेज रहेगा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का, उसके हिसाब से वो After shortlisting of application, the center allotment number will be intimated to the candidates via their email. So आपके पास एक बार सिलेक्शन सेंटर का अलॉटमेंट हो गया तो कैंडिडेट्स को अपना लॉगिन करना है वेबसाइट में और अपना एसएसबी डेट सेलेक्ट करना है जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे रहेगी। उसके बाद अलॉटमेंट सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा सिलेक्शन सेंटर्स, देयर आफ्टर इट विल बी अलॉटेड बाय सिलेक्शन सेंटर्स। सो ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स जो है कट ऑफ परसेंटेज के हिसाब से वो इंटरव्यू के जाएंगे इन सेंटर्स पे, इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, कपूरथला, और साइकोलॉजिस्ट ग्रुप, टेस्टिंग ऑफिसर्स, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, ये सब रहेंगे इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स को 2 स्टेज प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस को पार करना पड़ेगा। तो जो स्टेज 1 क्लियर करेगा वो स्टेज 2 में जाएगा और 2 स्टेज 1 ही में ही फेल हो जाएंगे उनको उसी दिन सेम वापस कर दिया जाएगा। और एसएसपी इंटरव्यूज़ का डेज रहेगा 5 दिनों का, जिसकी डिटेल्स आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा जो स्टेज 2 क्लियर करेंगे या जो स्टेज 2 के बाद रिकमेंड किए जाएंगे, और जो फाइनली एसएसबी रिकमेंड करेगा और मेडिकली फिट आप हो जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए मेरिट के हिसाब से, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप जाके इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो मोटे मोटे पॉइंट्स हमने इसमें कवर कर लिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवेयर कराना था कि इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन की वैकेंसीज आई है टेक्निकल ग्रेड में। तो बाकी जो डिटेल्स है इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको ध्यानपूर्वक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मैं पूरा इसमें डिटेल में नहीं गया हूँ, सिर्फ ऊपर से मोटा मोटा चीज़ें आपको बताई है, क्योंकि इसके फील्ड में, इस आर्मी जो वैकेंसीज़ के फील्ड में है इसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको जस्ट अवेयर कराना था कि ऐसी भी वैकेंसीज़ आई है इंडियन आर्मी में। इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देख लेते हैं कि क्या इसकी डेट्स हैं। तो ये ऑलरेडी 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और ये अभी 20 फरवरी तक रहेगी दोपहर 12 बजे तक। सो इसको आप ये देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारा चैनल प्रेप इंडिया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।